सीतापुर में धान क्रय केंद्र की शिकायत पर एसडीएम ने छापामार कार्रवाई की। धान क्रय केंद्र पर लापरवाही पाए जाने पर एसडीएम ने केंद्र को सीज कर धान क्रय केंद्र प्रभारी को जमकर फटकार लगाई। लापरवाही मिलने पर एसडीएम सदर ने धान क्रय केंद्र प्रभारी को जमकर फटकार लगाई और खामियों को देखते हुए एसडीएम ने धान क्रय केंद्र को सीज कर दिया। आपको बता दें कि एक किसान ने एसडीएम को फोन पर धान क्रय केंद्र पर लापरवाही करने की शिकायत की थी, जिसके बाद एसडीएम ने कार्रवाई करते हुए धान क्रय केंद्र को सीज कर दिया। वहीं एसडीएम की कार्रवाई से धान क्रय केंद्रों पर हड़कंप मच गया है। और अगली खबर बता दें आपको, उत्तर प्रदेश में एक तरफ योगी सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तमाम कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ सरकार के अफसर ही उसकी कोशिशों को पलीता लगा रहे हैं। ताजा मामला अमेठी से सामने आया है। यहां एक बीजेपी नेता के बेटे की हत्या के बाद पोस्टमार्टम के दौरान आक्रोशित भीड़ को समझाने के बजाय अमेठी के डीएम प्रशांत कुमार अपना आपा खो बैठे। डीएम ने आक्रोशित भीड़ के बीच मृतक सोनू सिंह के चचेरे भाई और पीसीएस अधिकारी सुनील सिंह का कॉलर पकड़कर खींचा और इस दौरान डीएम की हरकत को कैमरे में कैद कर लिया गया। वहीं डीएम की इस हरकत के बाद मौके पर लोगों ने उनका कड़ा विरोध किया, जिसके बाद वो लोगों को भी हिदायत देते दिखाई दिए। अब ये बताइए, हम इस समय खड़े हैं इसलिए का सबसे वरिष्ठ अधिकारी यहाँ खड़ा है, इतने सारे लोग खड़े हैं।